बिजनौर में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा में मारे गए अनस और सुलेमान के परिवार से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मृतकों के परिवार को सांत्वना दी, साथ ही उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। इसके अलावा प्रियंका ने हिंसा में घायल हुए ओमपाल के परिवार से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हूँ, मैं हर उस परिवार के साथ हूँ जिसके साथ गलत हुआ, और ये कानून देश के लोगों के खिलाफ है। पटना नेटवर्क में मुझे कल इतला हुई थी कि उत्तर प्रदेश में काफी लोगों का देहांत हुआ है, तो मैंने सोचा बिजनौर में आके देखूं, यहाँ पे दो लोगों की हत्या हुई, एक जने को चोट लगी, उसके मैं देखने परिवारों से मिले। मैम, नागरिकता बिल कानून को लेकर विरोध हो रहा है, क्या कहना है इस पर आपका? लोग मरे हैं, बहुत अजीब परिस्थितियों में हुई, तो मैं सुन रही थी परिवार से, खासतौर से उस परिवार से। एक दो लोग और आईसीयू में भी है, बताते हैं बहुत अजीब परिस्थितियों में, और मेरे ख्याल से यहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मैडम, यहाँ उल्टा किस तरह से हुई है, क्या हुआ है? मैडम, यहाँ उल्टा 2500 लोगों पे और मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 60 नगर। बल्कि जो परिवार के सदस्य हैं मुझे बता रहे थे कि जब वो FIR दर्ज करना चाह रहे थे तो उनको बताया गया कि आप दर्ज करोगे तो आप पर मुकदमा लगाएंगे। इस तरह की चीज़ तो ये गैर कानूनी चीज़ है। मैम, किस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए? ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि सब पता चले, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो नागरिक संशोधन कानून है ये क्या जनहित में है? एकदम देखिए, ये कानून जो है एकदम जनहित के खिलाफ है, खासतौर से गरीबों के लिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि नागरिकता के अधिकार का किसी को सबूत मांगने का अधिकार नहीं, ये कानून गरीबों के खिलाफ है, ये कानून महंगाई से बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया। आप बताइए, आप एक किसान से जिसकी जमीन नहीं है, आप उससे कागजात मांगेंगे और उससे सबूत मांगेंगे कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है, कि उसकी भारतीयता का आप सबूत मांगेंगे? कोई डेली वेज में काम कर रहा है, शहर में काम कर रहा है, उसने जाके शहर में अपना घर बसा लिया, एक झुग्गी ले ली, आप उससे उसकी जमीन के कागज मांगेंगे? कौन सा पहचान मांगेंगे कि पता नहीं कोई भी साल आपने ले लिया, 1971 ले लिया या जो भी ले लिया, कह दिया उससे पहले का कोई पत्र दिखाइए, कोई कागज दिखाइए कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, नहीं तो हम आपकी नागरिकता नहीं मानते। मैम, मोदी जी कहते हैं भारतीयता का जो सबूत है उसको मांगने की इजाजत नहीं है। मैम, मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इस पे क्या कहना आपका? प्रधानमंत्री जी, मैडम, यहाँ पर एक मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अकेली हैं, प्लीज सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, अर्थव्यवस्था डूब रही है, GDP इससे कभी नीचे नहीं गई है, जितनी इतनी है उतनी नीचे है आज, बेरोजगारी हद से बाहर है। प्रधानमंत्री जी और सरकार उसके उससे ध्यान बहकाने के लिए उन्होंने ये सारा कानून निकाला, जिससे आज आपने देखा इस कानून का देश भर में विरोध है, हर जगह विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं इसका, प्रधानमंत्री और सरकार सुनना भी नहीं चाह रहे। बता दें कि बिजनौर में कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, वहीं कुछ पुलिसकर्मी भी इस हिंसा में घायल हुए। फिलहाल मृतकों के परिवार में मातम पसरा हुआ है और वो निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हैं। बिजनौर से हाशिम अहमद की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।